स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ अ प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम एसिड अमाइड्स और अमाइड्स. क्लियर? सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, जस्ट वी विल डू सिंपली द नॉमनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड्स. स्टूडेंट, दीज एसिड अमाइड्स, दीज आर ऑल्सो सेट टू बी द अमाइड्स. क्लियर? सो दे विल हैव द फंक्शन ग्रुप CONH2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इनको बेटा हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दीज अमाइड्स, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइमरी एसिड अमाइड्स, देन सेकेंडरी एसिड अमाइड्स, आफ्टर दैट इन द लास्ट टर्शरी एसिड अमाइड्स. क्लियर? तो पहले डिस्टिंग्विश करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. इफ यू हैव द फंक्शनल ग्रुप CONH2, तो इट मीन्स ये प्राइमरी एसिड अमाइड है. इफ़ यू हैव द फंक्शनल ग्रुप CONH, इट मीन्स ये आपका सेकेंडरी एसिड अमाइड है. एंड इफ यू विल हैव द फंक्शनल ग्रुप CON, इट मीन्स ये आपका टर्शरी एसिड अमाइड है. नाउ सी द नॉमनक्लेचर. यहाँ पर हम प्राइमरी से शुरू करते हैं. HCONH2 फर्स्ट अमाइड. अब इसमें एक कार्बन है, सो कॉमन नेम इज फॉर्मामाइट. देन CH3CONH2. नॉ टू कार्बन, कॉमन नेम एसिटामाइड. क्लियर? अभी जो फॉर्मामाइड है, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें बेटा, देन वन कार्बन के लिए वी विल रिक मिथ एन और CONH2 ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लिखते हैं अमाइड. सो मिथेन अमाइड. सिमिलरली यहाँ पे वन टू टू कार्बन की चेन है, दिस विल बी इथेन अमाइड. अगर आप एक कार्बन एटम और इंक्रीज करोगे, CH3CH2CH2CONH2 एक और इंक्रीज कर देते. सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हमने कर दिए, तो 4 के लिए कॉमन वर्ड होता है ब्यूटाइर. सो दिस इज ब्यूटाइर अमाइड. IUPAC नेम ब्यूटेन अमाइड. क्लियर? तो सिंपल आपको कॉमन नेम कैसे लिखना है, सिंपल फॉर्मामाइड एसिटामाइड. थ्री कार्बन के लिए यू विल राइट प्रोपियोन अमाइड, उसको भी चेक कर लेते हैं. CH3CH2CONH2 फॉर थ्री कार्बन एटम, कॉमन नेम इज प्रोपियोन, सो इट इज प्रोपियोन अमाइड. और अगर IUPAC देखो बेटा, देन इट विल बी प्रोपेन अमाइड. नाउ वन मोर वी हैव टू डिस्कस. अगर हम बेंजीन के ऊपर CONH2 लगाते हैं, देन बी क्लियर, दिस इज रिटन एज बेंजामाइड. एंड दिस बेंजामाइड इज कंसिडर्ड टू बी द कॉमन नेम एज वेल एज द IUPAC नेम. तो ये हमने प्राइमरी एसिड अमाइड फिनिश किया. ध्यान बहुत अच्छी तरह से करना है कि कॉमन नेम में क्या करना है और IUPAC नेम में आपको कैसे करना है. नाउ वी विल शिफ्ट टू सेकेंडरी एसिड अमाइड्स. जस्ट सी सेकेंडरी एसिड अमाइड्स. CH3CONHCH3, देखिए ये NH ग्रुप आ गया, इट CONH आया है, इट मींस ये सेकेंडरी एसिड अमाइड है. विल टेक वन मोर एग्जांपल, CH3CH2CONHCH3. वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर भी बेटा CONH आया है. वन मोर एग्जांपल, दिस वन CONHCH3. सो ऑल दीज आर द सेकेंडरी एसिड अमाइड्स. अब कॉमन नेम देखिए क्या लिखे, कैसे लिखेंगे. पहले जो ग्रुप बैक साइड में, उसका नाम लिखना एन लगा के. आई हैव रिटन एन मिथाइल, टू कार्बन के लिए, यू नो एसिटामाइड. जब आप IUPAC लिखोगे, एन मिथाइल विल बी द सेम, बट IUPAC में इट विल बी इथेन अमाइड. सिमिलरली हेयर दिस ग्रुप एन मिथाइल, फॉर 1 2 3 कार्बन आइटम, कॉमन नेम में हम लिखते हैं बेटा प्रोपियोन अमाइड. IUPAC नेम में इट विल बी एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड. क्लियर? और यहाँ पर दिस इज एन मिथाइल बेंजामाइड. सो दिस वी हैव डन द कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेमिंग ऑफ द सेकेंडरी एसिड अमाइड्स. नाउ इन द लास्ट वी विल डिस्कस द IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ टर्शरी एसिड अमाइड. जस्ट अ मिनट, सी आउट टर्शरी. सो टर्शरी
CH3CON, CH3CH3. Now CON फंक्शनल ग्रुप है तो ये आपका टर्शरी एसिडामाइड है. विल सी वन मोर एग्जाम्पल. CH3CH2CON, CH3CH2CH3. This is also tertiary. Clear? Again, CON is the functional group. One more example, beta. CON, CH3, C2H5. चले पहले कॉमन नेम लिखते हैं. ये जो ग्रुप बैक साइड में पहले इनको लिखना है, दोनों सेम है. सो NN, डाइमिथाइल, टू कार्बन के लिए वी विल राइट एसिटामाइड. और जब आप आईपीसी नेम लिखोगे, एन एन डाइमिथाइल विल बी द सेम. इन प्लेस ऑफ एसिटामाइड टू कार्बन चेन है, वी विल राइट प्रोपेन अमाइड. सिमिलरली हेयर, ये आपका मिथाइल है, ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा. सो एन इथाइल, एन मिथाइल फॉर थ्री कार्बन हम लिखते हैं कॉमन नेम में प्रोपियोनमाइड. बट जब आप आईपीसी नेम लिखोगे देन एन इथाइल, एन मिथाइल फॉर थ्री कार्बन एटम प्रोपेन अमाइड. क्लियर? चलिए नाउ इसमें स्टडी करते हैं. अगेन दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा. सो एन इथाइल, एन मिथाइल, एंड यू नो दिस इज बेंजामाइड. सो बेटा पहले हमने स्टडी किया कि रिगार्डिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड. आफ्टर दैट वी विल डू दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम दैट इज एसिड अमाइड. सो नाउ द नेम्स आर क्लियर टू यू. नाउ विल गो टू द प्रोसेस. सो जस्ट सी आउट. फ्रॉम अमाइड्स देर आर टू प्रोसेसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स. फर्स्ट इज रिडक्शन, सेकेंड इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. टू प्रोसेसेस आर देयर स्टूडेंट. नंबर वन इज योर रिडक्शन, सेकेंड इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. इन द रिडक्शन वी विल प्रिपेयर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एज वेल एज टर्शियरी अमीन. क्लियर? तीनों तरह के अमीन हम प्रिपेयर करते हैं उसमें. गॉट इट? एंड इन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बी क्लियर, द अमीन फॉर्म्ड कंटेन्स वन कार्बन लेस देन अमाइड. जबकि यहां पर जो कार्बन एटम होंगे वो सेम होंगे, यहां पर एक कार्बन आपका कम हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स. इनका रिडक्शन हमें बेसिकली स्टडी करना है. क्लियर? सो फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन, क्लियर, ऑल ऑफ यू नो जो रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द रिएजेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो. हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, जिंक प्लस एच सी एल, टिंक प्लस एच सी एल, ओके, देन एल आई ए एल एच फोर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एन ए बी एच फोर, ऑल दीज रिएजेंट वी कैन यूज. ठीक है, चलिए नाउ सी वॉट हैपन्स. लेट अस टेक द एग्जाम्पल. If I have taken CH3CONH2 acetamide, primary amine, primary amide है, ठीक है, तो for the purpose of reduction 4H we will use. Reagent आप कोई भी use कर सकते हो. Suppose I will use LiAlH4. So what happens student, very important, यहां से आपको इस तरह से क्लीप करना है, ये oxygen निकलेगा, ठीक है, टू हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे HH, और टू हाइड्रोजन आपके यहाँ पर कार्बन से जुड़ेंगे दिस वे. सो ये तो आपका बनेगा माइनस H2O, निकल जाएगा ऑक्सीजन, पीछे क्या बचेगा CH3 और ये बेटा CH2, ये NH2, दैट इज इथाइल. आई मीन बिल्कुल सिंपल है. What you have to do, इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, दिस विल बी रिमूव्ड एज वाटर, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन पे लगेंगे, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन द सेम. क्लियर? आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल.
if I will take benzamide CONH2, हम बेंजामाइड पे वर्कआउट करें, प्लस 4H, कैसे ब्रेक करना है, ये ऑक्सीजन निकलेगा, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे और दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेंगे, सो यू विल गेट CH2। देखिए दो हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़े दो ऑक्सीजन के साथ, तो -H2O आप लिख सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, CH2NH2 मीन्स आई विल गेट बेंजाइल अमीन। सो यहां पर अगर मैं प्राइमरी अमाइड लेके चलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिया प्राइमरी अमाइड तो मुझे क्या मिला, आई विल गेट प्राइमरी अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ आई विल डू द रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, CH3CONHCH3, दिस इज सेकेंडरी अमाइड, प्लस 4H, यू कैन यूज LiAlH4, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस बेटा, सेम ये ऑक्सीजन निकलेगा, इसके साथ दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और इस कार्बन पर आपको व्हाट यू हैव टू डू, दो हाइड्रोजन यहां पर आपको अटैच करने हैं, सेम प्रोसेस है, आइदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो एक बार देखेंगे क्या बनेगा, ये CH3 यहां पे बेटा, CH2 ये NH CH3 एंड दिस इज H2O। अब ये आपका सेकेंडरी अमाइड, तो मुझे अमीन कौन सा मिला, दिस इज अ सेकेंडरी अमीन, इट्स नेम इज, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल अमीन। इफ आई टेक दिस वन CH2 CONHCH3, दिस इज अगेन अ सेकेंडरी अमाइड, प्लस 4H, देन वॉट हैपन्स, ये ऑक्सीजन निकलेगा, इस ऑक्सीजन पे टू हाइड्रोजन लगेंगे, -H2O, और बेटा दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगेंगे, सो वॉट विल आई गेट, दिस इज CH2, दिस इज CH2 NH CH3, सो दिस इज अगेन अ सेकेंडरी अमीन। सो बेटा ध्यान क्या रखना है, अगर आप सेकेंडरी अमाइड लोगे देन यू विल गेट द सेकेंडरी अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर दिस लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल इन केस ऑफ टर्शरी एसिड अमाइड, अगर हम टर्शरी एसिड अमाइड लेके चलते हैं, CH3 CH2 CON CH3 CH3, दिस इज योर टर्शरी एसिड अमाइड, क्लियर। सो इन केस ऑफ टर्शरी एसिड अमाइड, प्लस 4H LiAlH4 दैट आई विल राइट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बेटा ड्राई ईथर ध्यान रखना, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बी क्लियर। सो समटाइम इसको लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली रिएक्शन में इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, ये सिर्फ आपके मॉइस्चर को रिमूव करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब 4H का वही मेथड है, ऑक्सीजन हटाइए, ठीक है, और ऑक्सीजन जब हटेगा देन टू हाइड्रोजन हेयर और टू हाइड्रोजन हेयर, सो व्हाट विल आई गेट, CH3 CH2, अब इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन CH2, ये आपका -H2 आप लिख सकते हो, ठीक है, देन N CH3 CH3, सो बेटा ये आपका टर्शरी अमीन। तो अगर आप टर्शरी एसिड अमाइड लेके चलोगे तो क्या बनेगा आपका, टर्शरी अमीन। तो रिडक्शन इज वेरी क्लियर, आप जो भी अमाइड लेके चलोगे, इफ यू टेक प्राइमरी एसिड अमाइड तो प्राइमरी अमीन बनेगा, यू विल टेक सेकेंडरी एसिड अमाइड तो सेकेंडरी बनेगा, यू विल टेक टर्शरी एसिड अमाइड तो क्या बनेगा, टर्शरी अमीन। तो ये फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हुआ, दैट इज रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जस्ट सी द स्टूडेंट्स, सेकेंड इज हॉफमैन
ब्रोमामाइट, ब्रोमामाइट रिएक्शन, और इट इज आल्सो सेड टू बी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी इसको बोलते हैं. सो इसमें व्हाट विल यू गेट, जस्ट सी आउट. वी विल टेक अमाइड, सपोज वी हैव टेकन CH3CONH2. दिस अमाइड इज मेड टू रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH. कुछ भी यूज कर सकते हैं, बी क्लियर. आइदर यू विल यूज KOH और यू विल यूज NaOH. देन व्हाट हैपन्स, जस्ट सी आउट. वन बाय वन देखेंगे. यहां से ये CO निकलेगा. सो ये आपका अमीन रेडी होगा सबसे पहले. दिस इज CH3NH2 प्राइमरी अमीन विद वन कार्बन लेस. सबसे इंपॉर्टेंट, एक कार्बन कम हुआ क्योंकि ये CO निकला है. तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ बाकी बाई प्रोडक्ट पे काम करते हैं. नाउ पोटेशियम एंड Br दे विल कंबाइन टू फॉर्म ट्वाइस KBr. क्लियर. थर्ड प्रोडक्ट इज जो OH है, बी क्लियर. OH से आपको पता है हमेशा आपको क्या मिलेगा, OH से वाटर बनता है. सो आई विल राइट ट्वाइस H2O एंड इन द लास्ट. अब पोटेशियम ऑक्सीजन एंड CO दे विल कंबाइन टू फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट. ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट. तो बाई प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है, कैसे लर्न करना है. OH से आपका बनेगा वाटर KBr. क्लियर. और KO एंड डी CO ये आपस में कंबाइन करके दे विल फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट. सो यहाँ पर मैंने कहा था दैट वी कैन यूज NaOH आल्सो. सो अगर बेटा हम NaOH यूज करते हैं, चलो इसकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दिस वी हैव टेकन एसिटामाइड. तो एसिटामाइड से हमारा क्या बना था, दिस आई विल टेक मिथाइलमीन. सो अगर आपको एक कार्बन एटम लेस का अमीन बनाना है देन वी विल यूज दिस प्रोसेस. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, CH3CH2CONH2. दिस इज प्रोपियोन अमाइड प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. नाउ सेम करना, यहां से आप इसको निकालिए CO को. तो ये आपका अमीन रेडी है. दिस इज CH3CH2NH2. अमीन इज रेडी. क्लियर. दिस इज इथाइल अमीन. ये बेटा आपका इथाइल अमीन, वन कार्बन लेस. यहां टोटल 3 कार्बन थे, हेयर यू विल गेट 2 कार्बन. प्लस एज यू नो दिस सोडियम एंड ब्रोमीन दे विल कंबाइन टू फॉर्म ट्वाइस NaBr प्लस OH. इट विल गिव यू वाटर 2H2O प्लस सोडियम ONa. दिस एंटिटी एंड दिस CO दे विल कंबाइन टू फॉर्म Na2CO3. सो दिस स्टूडेंट वी हैव डन. यू कैन सी द थियोरटिकल डिटेल ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन रिडक्शन. और इसमें क्या डिफरेंस है, रिडक्शन में हमें सब मिल सकता था. आई विल गेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन. यहाँ पर बेसिकली हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन ही मिलेगा फर्स्ट थिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक कार्बन एटम आपका कम हो जाएगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर. डू द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. सो फॉर द मैकेनिज्म जस्ट कंसिडर एन रिएक्शन. सो विल राइट अ रिएक्शन. CH3CONH2 दिस इज अ लोन पेयर. इसको पर्टिकुलरली बेटा आप ऐसे लिखें प्लस Br2 KOH I will get a CH3NH2 plus CH3NH2 plus twice KBr plus twice H2O. Clear? And in the last K2CO3 that I'll get. So let us do the mechanism of this equation. So we'll start with the first, just see out CH3 CO
NH2 फर्स्ट स्टेप में बेटा Br2 क्लियर. सो व्हाट हैपन जस्ट सी केयरफुली बेटा यहां पे एक Br इस H से कंबाइन करेगा माइनस HBr ठीक है और सेकंड Br उसकी प्लेस पर लगेगा देन आई विल गेट CH3CONHAirBr क्लियर. यहाँ पे बहुत अच्छे ध्यान रखना है एक बी आर एच से कंबाइन करके एच बी आर निकलेगा सेकेंड बी आर उसकी जगह लगेगा. दिस इज स्टार्ट किया था हमने एसिटामाइड से. दिस इज एन ब्रोमो एसिटामाइड स्टेप वन. नाउ व्हाट इज स्टेप टू. अब बी आर टू का यूज तो हो गया. नाउ के ओ एच से व्हाट विल आई गेट. आई विल गेट ओ एच नेगेटिव आयन. तो ये ओ एच नेगेटिव आयन क्या करेगा बेटा. OH नेगेटिव आयन नॉर्मली यू नो इट कंबाइन विद H पॉजिटिव टू फॉर्म वाटर. ये एक प्रॉपर रिएक्शन जो हम सबको पता है. तो यहाँ से क्या होगा ये जो NH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पर जाएगा. हाइड्रोजन रिलीज होगा एज H पॉजिटिव तो वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव से जुड़कर माइनस H2O एंड आई विल गेट CH3CO(N) दीज आर टू इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर टू इलेक्ट्रॉन वन नेगेटिव चार्ज बी आर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस आई गेट एन बी आर. नाउ वॉट हैपन्स दिस अंडर गोज रिमूवल ऑफ. अब देखिए यहाँ से हमें बी आर नेगेटिव निकालना है. वॉट बी आर नेगेटिव कैसे निकलेगा. बिल्कुल सिंपल है. इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे बी आर पे. देन Br is released as minus Br negative. So I'll get CH3CO(N)1,2,3,4. अब ये negative charge आपका हट जाएगा. Now this species, this undergo rearrangement. बहुत ध्यान से समझना इसको. I'll write here just a moment. This undergo रीअरेंजमेंट. ये मिथाइल ग्रुप आके इस नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा. दैट इज द यू कैन से रीअरेंजमेंट. सो व्हाट विल आई गेट. इस कार्बन से शुरू करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ. गॉट इट सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है. अब बेटा एक चीज का और ध्यान रखना है. ये यहां पर आएगा देन व्हाट हैपन्स. ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा. These electrons shift here and there is a double bond. Step by step समझना है. Double bond. Then what will I get? N. अब एक lone pair बचा. ये यहाँ पे shift होगा. Got it? तो ये आपका double bond आए. और ये CH3 group now attached will be like that. Clear? So this what will I get? This is methyl. अब NC क्या होता है? Iso साइनाइड. या यहाँ पर हम प्रॉपरली क्या लिखेंगे. आइसो साइनाइड तो हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑक्सीजन लगा हुआ है. तो इट इज आइसो साइनेट. वेरी इंपॉर्टेंट. मिथाइल आइसो साइनेट. क्लियर. नाउ दिस मिथाइल आइसो साइनेट इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद के ओ एच. हाइड्रोलिसिस को बड़े ध्यान से समझना है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका हाइड्रोलिसिस ठीक है. यहाँ पर आप यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कीजिए ठीक है. सो व्हाट यू विल गेट H एंड H. आई टेक टू मॉलिक्यूल्स हियर. सो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा CH3NH2. पहले इसी को लिखते हैं मेन प्रोडक्ट CH3NH2 प्लस. अब H तो यूज कर लिया. नाउ O K O K यहाँ लिख दीजिए. क्या बनेगा K2CO3 प्लस K2CO3. दिस इज द प्रोडक्ट. क्लियर. सो बेटा मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल. एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा इसको सम अप करता हूँ. पहले स्टेप में क्या होगा एक H निकलेगा वो Br से कंबाइन करेगा HBr बनेगा और उसकी जगह सेकेंड Br लेगा. स्टेप टू में OH नेगेटिव आएगा तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा ड्यू टू विच नाइट्रोजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज. देन दिस Br इज रिलीज एज नेगेटिव. Br नेगेटिव तो नाइट्रोजन का नेगेटिव हटेगा. देन दिस अंडरगो रीअरेंजमेंट. ये मिथाइल ग्रुप किससे जुड़ेगा नाइट्रोजन से
और नाइट्रोजन पे जो एक लोन पेयर है ये किस में कन्वर्ट होगा फिर आपके डबल बॉन्ड में। सो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, गॉट इट, ये आपका मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ दो लोन पेयर थे तो एक रह गया, अब इसका करना हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए ट्वाइस KOH यूज करोगे, HH तो यहाँ पे लगा दीजिए नाइट्रोजन पर, यू विल गेट CH3NH2 एंड OK, दिस इज K2CO3। क्लियर? सो स्टूडेंट दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म दैट वी हैव डन। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जब आप एसिड अमाइड से अमीन बनाओगे तो हमारे पास दो प्रोसेस है, वन इज रिडक्शन, सेकेंड इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन डिग्रेडेशन। इसमें ध्यान रखना है दैट देर इज वन कार्बन लेस देन अमाइड, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके कम नहीं होते। हेयर यू विल गेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, यहाँ पर हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन मिलता है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम एसिड अमाइड्स, दैट्स ऑल।